फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं ये स्पेशल सी रेसिपी और स्पेशल सा नाश्ता आपके लिए लेकर आई हूँ। इसकी फीलिंग्स आप देख सकते हैं कितनी यमी और टेस्टी लग रही है देखने में, खाने में ये कितना टेस्टी होगा। ये बहुत ही जल्दी आसानी से मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे झटपट बना सकते हैं और बच्चों के टिफिन या ब्रेकफास्ट या इवनिंग ब्रेकफास्ट किसी में भी आप चाहें इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसे आप सॉस, चटनी या किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम हमारी किचन में से एक सैंडविच बनाएंगे, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है आज का ये हमारा सैंडविच। तो सैंडविच आज हम बनाने वाले हैं दही से, उसकी स्टफिंग हम करेंगे दही से। तो फ्रेंड्स, ये मैंने दही ले लिया है, इस दही को मैंने छान लिया है था कपड़े में और ये बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा दही है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो इसको में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसको हम छान लेंगे 10-15 मिनट पहले। इसको या कपड़े में या छन्नी से छान के इसको लटका देंगे तो ये इस तरीके से हमारा ये तैयार हो जाता है दही। तो ये दही अब इसमें हमने फिलिंग्स इसको सब्जियां डालेंगे इसमें। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे, बारीक काट लेंगे हम सभी अपनी सब्जी को, जो भी इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक बारीक कर लेंगे इनको। तो प्याज अपने जरूरत के अनुसार इसमें सब्जी कम ज्यादा आप कर सकते हैं। तो ये मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, एक मीडियम साइज का ये हमने टमाटर लिए हैं बारीक कट करके रख लिया था, और एक हमने ये कैप्सिकम रख ली है, शिमला मिर्च रख ली थी इसे भी हमने बारीक काट कर रख लिया था। तो अब इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, मिक्स हमने इसको अच्छे से कर लिया है। अब इसमें हमने कुछ फ्लेवर डालेंगे, तो ये हम चिली फ्लेक्स लेंगे, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हमारे ये सैंडविच में। और ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्च पाउडर है, इसे भी डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली भी काट करके डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इसमें हरी मिर्ची भी काट कर आप डाल सकते हैं, मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। आप इसमें चाहें तो इसे डाल सकते हैं, क्योंकि ये हम बच्चों के लिए बनाने वाले तो इसलिए हम ग्रीन चिली का इसमें यूज नहीं करेंगे। नमक डालेंगे हम टेस्ट के अनुसार, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। तो एक चम्मच हमने इसमें नमक ऐड कर दिया, अब इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सैंडविच की हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है, एकदम कलरफुल और यमी बनकर तैयार हुई है ये स्टफिंग हमारी। आप खाएंगे इसको तो आप भी इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो एक बार आप जरूर ट्राई करें। अब हम अपना सैंडविच तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ब्रेड ले लिए हैं। अब ब्रेड के चारों ओर हम ये सॉस लगाने वाले हैं। इसकी जगह आप कोई भी सॉस या शेजवान सॉस या कोई भी चटनी आप अपने जरूरत के या टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है उसी से ये बहुत ही अच्छा अच्छा फ्लेवर देने वाला है ये। तो आप जो पसंद करें उसमें ये लगा सकते हैं। तो ये मैं सॉस लगा रही हूँ, आप रेड चिली सॉस भी लगा सकते हैं इसमें, अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं शेजवान सॉस यूज कर सकते हैं। तो आप कोई भी सॉस इसमें चटनी यूज कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। तो ऐसे ही हम सारे ब्रेड्स में इसको लगा लेंगे और तैयार कर लेंगे अपने सारे सैंडविच को। ये देखिए, एक ब्रेड में हमने वो सॉस लगाकर तैयार कर लिया था और एक ब्रेड में हम ये जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी है इसको हम इसमें ऐसे फैला लेंगे अच्छे से चारों तरफ को अच्छे से। तो एक साइड एक ब्रेड में हम ये वाली स्टफिंग तैयार करेंगे और एक ब्रेड में हम सॉस का लगाकर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे सैंडविच हमारे ये ब्रेड हमने तैयार कर लिए हैं स्टफिंग करके, ये देखिए आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम ये वाला जो हमने तैयार कराया था सॉस वाला, इसको भी हम अच्छे से ऐसे प्रेस करके रख देंगे इसको भी, और इन्हें आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं चाहे तो। बट इसे हम अभी घी में हल्का सा फ्राई करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट बढ़ जाएगा और खाने में एकदम ये यमी लगने वाले हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं सभी को, बच्चों को तो ये बहुत पसंद आने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप इसको जरूर ट्राई करें। तो चलिए, हमारे सैंडविच अब तैयार है, अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, इसको हम हल्का सा तवे को गर्म हो चुका है ये हमारा, इसको घी से हम ग्रीस कर लेंगे अच्छे से और बहुत ही कम घी या तेल में ये आज का ब्रेकफास्ट हमारा बनकर तैयार होने वाला है। तो बस ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना है, थोड़ा सा ही यूज़ करना है। अब हमने अब ये ब्रेड करे हुए तैयार करे हुए इसे सेक लेंगे अच्छे से, तो ये हमारे एकदम क्रंची और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। ये देखिए, एक साइड से हमारा ये सिक चुका है अच्छे से, तो हम दूसरी साइड को पहले ये ग्रीस कर लेंगे घी से, ताकि इस साइड से भी हमारा अच्छे से ये क्रंची हो जाए। तो सारा ऐसे तैयार कर लेंगे और इसे हम पलट देंगे। ये देखिए, हमारा क्रंची हो गया है बहुत अच्छे से।
तो ऐसे ही तैयार कर लेंगे हम सारे। ये देखिए फ्रेंड्स, बनकर हमारे ये एकदम तैयार है। अभी इन्हें सर्व करके मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बनकर हमारे एकदम ये रेडी है, यम्मी से सैंडविच ब्रेकफास्ट। और ये बहुत ही जल्दी हमारा बनकर तैयार हो जाता है बिना किसी मेहनत के। आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, है ना यम्मी एकदम। तो आप इसे बनाएं और एंजॉय करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। कि अब इसे हम बीच में से कट करके आपको एक फीलिंग्स इसकी हम मैं अभी देख कट करके आपको दिखाते हैं कि इसकी अंदर की फीलिंग्स और टेक्सचर कैसा है। देखने में तो बहुत ही यम्मी लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, वाओ, बहुत ही यम्मी लगता है ये। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप ट्राई करें कभी और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।